नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिप्स डॉट इन। दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत आज मंजूर कर ली है। 1 लाख के मुचलके पर शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी गई। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुए थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर फैसला सुरक्षित किया। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए कहा कि चूंकि थरूर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अब तक एक आरोपी के रूप में तलब किया गया है, वो जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्राय ही विदेश जाते रहते हैं और वहाँ बाहर ही बस सकते हैं। नारायण सिंह एवं बजरंगी सहित कुछ प्रमुख गवाह अभी तक थरूर के साथ काम कर रहे हैं तथा वे उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। For more information, log on to www.clips.in.